पुरानी दिल्ली के जमा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने जनता से की अपील, मस्जिदों में रखें सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाएं। आप देख सकते हैं कि जमा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी हैं जिन्होंने सभी मुस्लिम समुदायों से अपील की है कि मस्जिद में जब भी आएँ तो दूरी बना के रखें, और साथ ही मस्जिद के इमामों से भी ये अपील की है कि मस्जिद के अंदर से फ़र्ज उठाएं और सोशल डिस्टेंस बना के रखें। इसके अलावा कहा है कि कुछ लोग मास्क नहीं लगाते क्योंकि अगर मास्क लगाएंगे तो बीमारी से बचाव होगा, और कहा कि मास्क बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बीमारी से बचाता है। अब देख सकते हैं कि शनिवार की शाम 5 बजे वीडियो जारी करके जनता से अपील की है, सुने आप। और ये तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के कब्रिस्तान में मैयतें ज्यादा हैं और कब्रें खोदने के लिए खोदने वालों की जो तादाद है वो कम है। अक्सर लोग कोरोना वायरस को संजीदगी के साथ नहीं ले रहे। मैं आपको बता दूं कि वायरस इस दफा जो फैल रहा है निहायत खतरनाक है। पहले सिर्फ बुजुर्ग इससे मुतासिर हो रहे थे, लेकिन आज नौजवान और ख्वातीन बहुत ज्यादा इससे मुतासिर हो रही हैं। आज भी जो मेरे पास इत्तलात आई हैं, इसमें एक बुजुर्ग खातून का कोरोना वायरस से इंतकाल हुआ और अभी जनाजा रास्ते ही में ही था कि उसकी बहू का भी कोरोना वायरस से इंतकाल हो गया। और इस तरह के कितने ही वाकयात हैं जिनकी खबरें मुझ तक पहुंच रही हैं, और आप भी सोशल मीडिया पर और टीवी में ये खबरें मुतवातिर सुन रहे होंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना जरूरी है, खासकर नमाज के अवकात में फासला जरूरी है, और मास्क का इस्तेमाल भी नहायत जरूरी है। मैं कल किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये मास्क हमें बहुत हद तक इस वायरस से बचा सकता है, लेकिन आमतौर से लोग इसमें सुस्ती से काम ले रहे हैं। इसलिए आज जामे मस्जिद में हमने जो फर्श था उसको उठा दिया है और स्टिकर लगाए जा रहे हैं ताकि लोग फासले के साथ नमाज अदा करें। इसी तरह मैं अपील करूंगा मुख्तलिफ मसाजिद से भी, मसाजिद के जिम्मेदारों से भी, कि वो अपने फर्श को उठाकर वहां पर स्टिकर लगा लें और फासले के साथ नमाज अदा करें। जहां तक तादाद का सवाल है, जो मुझसे कहा जा रहा है कि तादाद मसाजिद में कम होनी चाहिए, तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये तादाद कम हो, और तरावी वगैरह हम अगर घरों में पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि हम कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। हमें दुआ करनी चाहिए, मैं भी दुआ करूं कि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को इस कोरोना वायरस से महफूज रखे, हमारे मुल्क को भी, हमारे मुल्क के अवाम को भी, और दुनिया में जहां जहां वायरस फैला हुआ है अल्लाह ताला इस वायरस से सबको महफूज रखे। अल्लाह आपका हानि व नासिर।